अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज हम करने लगे अपनी रमज़ान को इजी बनाने के लिए टमाटर लेमन और इमली के पल्व को करने लगे हैं फ्रीज़ तो आप भी देखते जाएं आप भी करें हमारे साथ अपने रमज़ान को आसान से बनाएं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिसम सबसे पहले मैंने हाफ के जी इमली ली इसको थोड़े से गर्म नीम गर्म पानी डाल के ना मैंने इसको रख दिया अब हाथ की मदद से इसको मैं देखें मसल यू तो जितनी देर मैं इसको मसल नहीं उतनी देर आना आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हाँ साथ लगी गेंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके बाकी प्रेस करना भूलिए ना हाँ जी तो ये देखिए मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह मसल के उसका अच्छी तरह थिक सा प्लब बना लिया अब कुछ दाने जो है मिली कि इस तरह निचोड़ के मोटे मोटे से निकाल लेते हैं बकाया को उससे छान लेते हैं पल्व को छानना है क्योंकि हमें साफ़ सुथरा तिनकू वगैरह से पाक चाहिए तो ये देखें मैंने छन्नी में इसको डाल दिया प्ल्व सारे को अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको डाला नीचे से भी जो प्ल् के नीचे लगा होता है छन्नी के उसको भी साफ़ करना चाहिए हाँ जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगा होता है तब ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा पल्व हमारा आ गया और इतना थिक है हाँ जी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको जरूर अब डालते हैं इस ट्रे में जो भी आपके पास वो तो चीज़ है उसमें डालिए क्योंकि मेरे पास यही है चार पाँच ये मैंने ट्रे रखी है इसमें मैं जमा लेती हूँ हाँ जी अब दूसरी ट्रे लेते हैं इसमें भी इसको डाल लेते हैं ये देखें क्योंकि बाद में ये चाहिए आम चाट चना चाट में भी हमें ये पल्व चाहिए चटनी में भी ये चाहिए और चीज़ों में भी ये चाहिए तो इसलिए इसको फ्रीज कर जब भी ज़रूरत पड़े निकाले तो यूज़ करें अब डालते हैं लिए है मैंने अब करते हैं लेमन को जूस फ्रीज तो ये मैंने वन के जी लेमन ये छोटा पहले इसको मैंने वाश कर लिया अब इसके दो पीस करते हैं हाँ तो ये मैं आपको बताऊंगी इसके मैं छिलके भी ज़ाया नहीं करूँगी आपके एंड को बताऊंगी कि इसके छिलका का मैंने क्या करना है क्योंकि इसके छिलके में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है ये आपको पता नहीं है हाँ जी इमली के छिलके जो बीज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो अब इसको मैंने काट लिया आपके सामने अब इसी तरह बॉल नीचे रख के उसके हा ऊपर रखी छन्नी और हाथ की मदद से इसको निचोड़ के निकाल लेते हैं ज़रूरी नहीं कि नींबू दानी वगैरह से ही इसको निकालें इसके हाथ की मदद से बड़ा ज़बरदस्त निकल आता है हाँ जी अब जो ऊपर दाने वगैरह छिनके वगैरह बचे चमच से इसको ज़रा मिस ले हाँ जी प्रेस करें जो भी इसमें है जूस वगैरह वो निकल आए बाहर क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए इतने महंगे से हैं रमज़ान में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जानी है टमाटर वगैरह अब इसी तरह इसको भी ट्रे में इसी तरह डाल लेते हैं और बा इसमें पड़ा नहीं रहने देना इसको भी निकालना भी है हाँ जी ये देखिए इसको भी मैंने ना रखते हैं फ्रीज़र में नीचे नहीं रखना ऊपर फ्रीज़र में रखते हैं तब चलते हैं अपने टमाटर पेस्ट की इसको मैं ना पेस्ट नहीं बनाऊँगी इसको चॉप करूँगी तो ये टू के जी में लेके आई क्योंकि आगे का रमज़ान में काफ़ी एक तो महंगे हो जाते हैं एक हमें रमज़ान में, में इजी आसानी हो जाती है ये इस तरह के हम छोटे छोटे काम कर लें तो तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसको पीस कर लिए तो ये हैंड चॉप है जो गर्म आम लहसुन प्याज के लिए हमने रखा होता है इसके लिए मैंने इसको रखा है तो आज मैं चॉप क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से दाने होते हैं मोटे मोटे से वो चॉप करेंगे कि जब पीस चॉप करेंगे तो वो ज़्यादा साल हमारा अच्छा बनेगा हाँ जी जिस चीज़ में भी हमने डालना है तो ये देखिए मैं इसमें डाल है जितना भी इसमें डालना है आसानी से जितना इसके चॉप हो सके दरमियाना सही ये बड़ा भी नहीं है अब ये देखिए इसको इसको ऐसे पकड़े खींची और ये आसानी से नीचे से वो चॉप हो जाता है हाँ जी एक तो सस्ता है एक हमारा काम इसमें कीमा भी मैं अक्सर दो तीन दफ़ा आपको बताया ना बनाया बताया इसमें कीमा भी बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है चिकन के पीस डालो कीमा बन जाता है तो अब नीचे से ये छुरी बाहर निकाल ली कटर और इसको करें फिर उसी ट्रे में इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें तो बर्फ़ जमा हुआ पीस चाहिए हाँ जी इसी में डाल के ना जिसको रखते हैं क्योंकि इस तरह वा... जब हम चीज़ें बना लेते हैं ना छोटी छोटी रमज़ान हम रमज़ान में हमें तरह ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमने पकौड़े समोसे और चीज़ें भी बनानी होती हैं तो ये चीज़ें तैयार मिल जाएँ तो बड़ा ईजी सा हो जाता है अल्लाह की इबादत भी करनी है हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह हमें टाइम मिल जाए हम इबादत कर सके तो ये देखिए ये वो तो ठीक है ट्रे थी ये कुल्फी मोर्ड हाँ जी एक सब्ज़ी में एक हांडिया में एक क्यूब एक ये डाले इतना इतने ये पीस मैंने बना लगे हाँ इसे बड़े तो नहीं चाहिए कि लेमन तो हमें थोड़ा चाहिए था ये हमें ज़्यादा भी चाहिए था तो मैंने कुल्फी मॉड में रख लिया इसके ऊपर स्टिक लगा के बंद कर दिया ये देखो तीनों टमाटर मैंने इसमें रख दिए अब इसको रखते हैं फ्रीजर में फ्रीज में अब ये हैं छिलके अब बताती हूँ मैं क्या करना है इसको मैंने धोया इसको पहले अच्छी तरह धो लिया अब इसको डालते हैं किसी ट्रे में हाँ जी तो ये पास पड़ा है मेरे पीछे ना चार ये चार मसाला पड़ा हुआ था क्योंकि हमें रमज़ान में कोई पचाने के लिए हज़म करने के लिए चीज़ें तो चाहिए तो ये मैं कि लेमन का हम अचार बना लेते हैं और रमज़ान में खाएंगे बाद में भी खा सकते हैं ये जो चीज़ें फ्रीज ज़रूरी नहीं कि रमज़ान के लिए करें हम हम आगे पीछे भी ये इस तरह की चीज़ें बना के रख लेंगे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है हम औरतों को और, और बहुत जो काम करने पड़ते हैं बच्चे भी संभालने घर भी संभालना इस तरह ये जब छुट्टी हो ना जी ये चीज़ें कर लिया करें वो मसाला मैंने इसमें डाल के तो हाथ की मदद से अच्छी तरह से को मिसल लिया यानी कि हर पीस के ऊपर लग गया आप कोई भी जार ले बर्तन ले जो भी आपके पास है उसमें डाल दें हाँ जी ये देखें मैंने चार जार में डाल के आपके सामने अब तीन चार चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल लें एक तो वो ख़राब नहीं होगा एक चार का बड़ा जायका होगा और सफलाम इसके ज़्यादा बढ़ जाएगी हाँ जी हाँ जी तो अगर ये देखिए अब चलते हैं ये देखो चार कितना ज़बरदस्त है हाँ जी अब चलते हैं कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है संभालिए नहीं कि इसको क, निकालना कैसे है तो मोड़ को ले मैंने इसको कुल्फी मोड़ को मैंने जैसे कुल्फी नहीं निकालते पानी में रख दिया थोड़ी देर के लिए अब ये जो ट्रे हैं हाँ जी हाँ आइस ट्रे इसको मैंने इस तरह ये देखे थोड़ा सा दबाए निकल आते बाहर सारी ये देखे टमाटर निकल आए बाहर यानी नहीं कि चौपकी हो गई ये उस तरह की बर्फ़ बर्फ़ भी नहीं जमेंगी और एक बेहतर रहेगा हाँ जी क्योंकि चौक है इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी ख़राब भी नहीं होगी अब लेते हैं एक ये जिप लॉक बैग है अगर आप ये नहीं है तो वो जो आम शापर होते तो हैं उसमें डाल सकते हैं क्योंकि अब ये जिसमें भी डालेंगे आपस में जुड़ेंगे नहीं यानी जितना जुड़ना था वो जुड़ गया अब हमने अलग अलग कर दिया हाँ जी अब इसको फ्रीजर में रखना है अब ये दूसरा भी हम देखें ये देखो कितना जबर पानी लगाया था ना नीचे तो इतना ज़बरदस्त वो निकल गया इसी तरह मैं ये देखे। लेमर और इमली वाले भी निकाल लिए तो ये देखिए अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा बाकी रमजान की दो में याद रखिएगा खाएँ पिए मो जुड़ाएँ दो में याद रखिएगा फिर मिलूँगी अल्लाह हाफिज़